हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल बेटा, टाइम हो चुका है क्लास का, जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखेंगे हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। आज बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे पूछे गए क्वेश्चंस है, उन सबके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। जितने बच्चे यहां पर आ चुके हैं एक बार बेटा सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्लास में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का माहौल क्रिएट हो जाए और आपको भी ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल हम किस लेवल पर हैं। चलिएगा बेटा, जितने बच्चे आ चुके हैं एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। बिल्कुल यहां पर जितने बच्चे आ चुके हैं उन सभी को राधे राधे। अनिल कुमार सैनी, राम राम सर जी, बिल्कुल बेटा राम राम। शर्मिला नौकवाल, राधे राधे। राजेश कुमार मीणा, राम राम सर जी राजेश मीणा को। हाँ बिल्कुल बेटा राजेश मीणा, आपको दिल से राम राम, गुड इवनिंग बेटा। कुलदीप महावर, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ओके चलिएगा बेटा, एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। सर आप पीजीसीएल के एग्जाम कहाँ हैं? आपका पीजीसीएल है यार बेटा, मेरी उम्र कहाँ रही है अब पीजीसीएल एग्जाम देने की, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। कुलदीप गुड इवनिंग बेटा, राजेश कुमार सर। चलिएगा अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितेश साहू वृंदावन से राधे राधे। एसएन वर्मा गुड इवनिंग। अनिल कुमार सैनी, पीजीसीएल एग्जाम का आंसर जी बेटा अपनी उम्र ही नहीं है अब एग्जाम देने की, अब तो आप बताइएगा आपका सेंटर कहाँ आ चुका है और किस प्रकार से तैयारी है आपकी। बिल्कुल बेटा देखते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, देखिएगा विद इन 10 सेकंड में आपको आंसर देना। ये आपका एक HW था बेटा, कल आपको 180वां क्वेश्चन आपको HW में दिया था। मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। सर्किट में यह था कि प्रतिरोध R1 के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना था, तो बताइएगा IR1 में, मतलब R1 कहां है आपका, R1 यहां है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है। देखिएगा ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 200 का है, ये हमारा 200 का है। बताइएगा इस R1 में से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये क्वेश्चन आपके बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर क्या आया था। देखिएगा हाँ राजाराम टाग, बिल्कुल राधे राधे। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें आपको इसमें करंट निकालना था, करंट किसमें निकालना था, तो आपको कि सर जो करंट निकालना है वो हमें यहां पर निकालना है, इसमें आई की वैल्यू यहां निकालनी है। जब हमें आई की वैल्यू इसमें निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है बेटा, यहां पर देखिए टोटल करंट को फाइंड करिएगा, टोटल करंट आपका कितना आएगा वो निकालेंगे। टोटल करंट निकालने के लिए आपको ये देखना है कि दोनों प्रतिरोध जो दो है ये दोनों किसमें है आपको कि सर पैरेलल में है। जब 100-100 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ये दोनों 100-100 ओम के हैं बेटा, तो दोनों प्रतिरोध 100-100 ओम के हैं, तो हम कहेंगे बेटा सर्किट जो बनेगा वो हमारा किस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको इससे सॉल्व किया तो बेटा देखिएगा यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R/N वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जैसे ही हम R/N वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना 100, और बेटा यहां पर देखिएगा कितने रेजिस्टेंस है 2, तो बेटा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 50 ओम। तो बेटा यहां पर जो रेजिस्टेंस लगे होगा वो होगा 50 ओम का, और नीचे वाला रेजिस्टेंस देखिएगा 200 ओम का, दोनों ये किसमें है पैरेलल में। फॉर्मूला लगा R/N, मतलब 200 डिवाइड बाय बेटा कितना, तो आपको ये 2 मतलब कितना हो गया बेटा 100 ओम आ गया। यहां पर 100 ओम है, यहां पर आपने 24 वोल्टेज की बैटरी को अप्लाई कर रखा है। अब देखिएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया तो आपको कि सर 150 है। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि आई निकालना है टोटल, तो V/R, तो आई इक्वल क्या हो गया बेटा, वी की वैल्यू कितनी है 24 है बेटा, 24 में 150 का भाग लगा दो, 2400 में 150 का भाग लगा दो, 24 में 150 का भाग लगाइएगा। अच्छा स्नेहा बिल्कुल, एसएन वर्मा आंसर आ चुके हैं बेटा आप सभी के, क्या बात है। इसी प्रकार से आंसर देते रहिएगा, देखिएगा आप 24 में 150 का भाग लगाइएगा और उसके बाद में टोटल करंट जो है आपकी वो फाइंड हो जाएगी। आपने कहा सर 0.16 आ जाएगा, बिल्कुल प्रवीण हाँ हेलो सर, बिल्कुल बेटा यहां से आपकी जो करंट का मान आया वो कितना है 0.16 आ गया। अब सुनिएगा, आपको कह रहे हो कि सर यहां से चल रही है 0.16 एम्पीयर करंट चल रही है, टोटल करंट आपने निकाल ली टोटल रेजिस्टेंस निकाल के, लेकिन ये 16 एम्पीयर करंट आगे चल के बेटा दो भागों में डिवाइड हो गई, सेम भागों में डिवाइड होगी, क्यों होगी, क्योंकि सेम आपका रेजिस्टेंस हो रहा है दोनों में, दोनों ब्रांच के अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको कह सर 100-100, तो ये 0.16 एम्पीयर जो करंट आ रही है आधी आधी डिवाइड होगी, मतलब 0.8 एम्पीयर इधर जाएगी और 0.8 एम्पीयर इधर जाएगी। आगे अगर इसी में बेटा यहां पर कितनी होती तो 0.8 इधर से आती, 0.8 इधर से आती, 0.16 यहां हो जाती,
फिर भी बेटा इधर जाती 0.8 जाती और इधर भी कितनी जाती 0.8। किसमें से ही पूछ लेता तो बेटा हम आसानी से बता सकते थे। तो यहां पर देखिएगा R1 में कितनी करंट आ रही है 0.8, बी ऑप्शन बेटा आप सभी का राइट है। और कुछ बच्चों ने ऑफलाइन कमेंट करके भी मेरे को बताया था बिल्कुल सही है। कुलदीप महावर बी ऑप्शन आपका सही। अनिल कुमार सैनी सर मेरा सही, हाँ बिल्कुल बेटा आपका सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और दिखाते हैं आपको। आज का जो है 181 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोग में प्रवाह के लिए किसका आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता, आपको बताना है। ध्यान रखना ALP असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 22 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिएगा क्या कह रहा है, ऑफ द फ्लोविंग विच द मेटल इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लक्स इन सोल्डरिंग। फ्लक्स इन सोल्डरिंग, फ्लक्स का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, जंग को हटाने के लिए जिस मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखना सोल्डरिंग में फ्लक्स किसको कहते हैं कि आपका कोई भी बेटा ध्यान रखना कि जैसे हमारा जंग लगा हुआ है, ऑक्साइड की परत आ रखी है, या फिर आपको रफ करना है उसको स्मूथ बनाने के लिए ताकि हमारे जो जॉइंट करें या फिर हम जब भी सोल्डरिंग करें तो एक अच्छे प्रॉपर तरीके से हो, तो उसको साफ करने के लिए सीट को बेटा उसका किसका काम होता है, फ्लक्स यूज में लिया जाता है। तो बताइए मतलब कि उसे फ्लक्स कहते हैं, लेकिन इस फ्लक्स के रूप में किसको काम में नहीं लिया जाता वो यहां पर आपसे पूछ रहा है। देखिएगा जिंक क्लोराइड, बेटा जिंक क्लोराइड तो हम काम में लेते हैं ताकि आपकी सतह जो स्मूथ हो जाए, साफ हो जाए, ये तो आपका सही है। इसमें बोला कि नहीं लिया जाता वो कौन सा है, बोरेक्स भी काम में लिया जाता है, अमोनिया क्लोराइड भी काम में ली जाती है, लेकिन लेड नहीं लिया जाता, लेड नहीं लिया जाता। सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए लेड काम में लिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स में लेड का प्रयोग नहीं किया जाता। बेटा 181 का डी नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, वो यूं कह रहा है कि सोल्डर करते टाइम आप फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स का मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला नहीं है। आपको क्या करना है, कोई सीट है या फिर कोई दो तार है, इन दोनों को बीच में आपको टांका लगाना है, मतलब सोल्डरिंग करनी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सोल्डरिंग करनी है, लेकिन आपने कहा कि सर इसके ऊपर पहले वाले कंडक्टर के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ऑक्साइड की परत जमा हो रखी है। हो सकता है इसके अंदर आपका क्या हो रखा हो, कोई भाई अपन कहते हैं ना कि बेटा जंग लग गया, जंग लग रखा हो, उस जंग वगैरह को साफ करने के लिए, ऑक्साइड परत को साफ करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग में लेते हैं। हम किसको यूज में लेते हैं, फ्लक्स को यूज में लेते हैं, लेकिन उस फ्लक्स के रूप में बेटा यहां पर पूछा गया किसको काम नहीं लेते, तो बेटा फ्लक्स के रूप में हम काम नहीं लेते किसको, लेड को काम नहीं लेते। सोल्डर आयरन बनाने के लिए, सोल्डरिंग मटेरियल बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है, टिन प्लस बेटा लेड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें टिन तो 63% होता है और जो 37% रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा लेड रखा जाता है। यह कब रखा जाता है, जब हम सोल्डरिंग आयरन को बनाना है, लेकिन फ्लक्स की बात कर रहा है तो यहां पर लेड काम में नहीं लेते। को क्या लेंगे, अमोनिया क्लोराइड काम में लिया जाता है सतह को साफ करने के लिए, बोरेक्स का काम में लिया जाता है, जिंक क्लोराइड भी काम में लिया जाता है। चलिएगा आगे नेक्स्ट बात करें बेटा। सुनील वर्मा राम राम गुरुजी, बिल्कुल राम राम स्नेहा। चलिएगा डी नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 5 EMF और 0.1 आंतरिक प्रतिरोध वाले एक बैटरी से 1 ओम के 12 प्रतिरोध से जोड़ा है, इसकी लघु परिपथ धारा कितनी होगी ये आपको बताना है। और ये याद रहे, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया DMRC दिल्ली मेट्रो ने 19 फरवरी 2020 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए बेटा कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कॉमेंट करिएगा। रोनाल्डो RP फौजी सर CBT 1 के पेपर करवाओ, सर CBT 1 के पेपर करवाएं, नॉन टेक के पेपर। तो बेटा ध्यान रखिएगा उसका भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा
वर्ड ब्यूटी, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। आगे बताइएगा, इसका आंसर बताइए कि अगर आपके पास में बैटरी 5 वोल्टेज की है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना 0.1 है, इसको 12 कोई लोड से 1 ओम से हमने जोड़ दिया तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट का मान बताना है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि वो कितनी आपकी करंट आने वाली है। और आपको बता दें, जितने बच्चे यहां पर आ चुके हैं, बेटा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार दबाकर शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, डीएमआरसी क्वेश्चन में, डीएमआरसी एग्जाम में ये आपका पूछा गया है। 182वीं का बेटा बी ऑप्शन आ रहा है, शारदानंदन भारती का। इसके अलावा जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट क्यों नहीं कर रहे बेटा, तो देखिएगा। हाँ, सुनील कुमार कोहली कह रहे हैं सर डी ऑप्शन आएगा, मतलब 5 एम्पियर आएगा। इसके अलावा बेटा और कितने बच्चे हैं जो फटाफट कमेंट करके बताइए। राजेश कुमार मीणा, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन सारे आने लग रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल बेटा, अपना जो मन पसंदीदा ऑप्शन जो आप निकाल पा रहे हो उसका जरूर शेयर कीजिएगा। सुनील वर्मा कह रहे हैं सर 0.1 आएगा। सुभाष पाल 7055 0.01 आएगा। स्नेह के लिए डी आर है, अनिल कुमार सैनी डी ऑप्शन है। देखिएगा, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ बच्चों का अनंत आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को करना कैसे है। आप तो एक काम कीजिएगा, आप एक सेल बना दीजिएगा, ये लो बना दिया, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, ये लो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, लेकिन ईएमएफ कितना बेटा आपको कि सर 5 वोल्टेज है। इसको बेटा आप क्या कह रहे हैं कि बाहरी लोड कितना है, तो बाहर से आपने जो लोड लगा रखा है ब्लैक पेन से, ये हमने कितने ओम का लगा दिया, 1 ओम का लगा दिया। अब वो कह रहा है कि अगर ये सेल बाय चांस आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये सेल हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कितनी करंट प्रवाहित होगी। बेटा शॉर्ट सर्किट होगा तो मतलब ये दोनों टर्मिनल आपस में भिड़ गए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे भिड़ गया, भिड़ गया कि नहीं भिड़ गया, आपने कहा सर बिल्कुल, तो मतलब कहने का जैसे ही भिड़ेगा तभी तो बेटा शॉर्ट सर्किट होगा, फिर ये काम का है क्या, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। अब देखिएगा यहां से धारा हमें फाइंड करनी है, तो यहां से धारा कितनी चलने वाली है वो हमें देखना है, तो देखिएगा कितनी धारा चलने वाली है। तो हमने कहा सर ईएमएफ कितना है, तो आपको कि सर 5 वोल्टेज है, ईएमएफ कितना है आपका, तो आपको कि सर 5 वोल्टेज है, ये लो 5 वोल्टेज लिख दीजिएगा। रेजिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, तो 0.1 ओम आ रहा है, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया है, तो शॉर्ट हो गया तो बेटा हटा के साइड में मारो ना, शॉर्ट वाला काम आता ही नहीं है, धारा इसमें से थोड़ी ना जाएगी, अब इसे शॉर्ट सर्किट में से जाएगी, है ना, तो ये आपका 1 ओम तो काम ही नहीं आया। तो अब हमें आई निकालना है, अब हम आई आसानी से निकाल सकते हैं, आई निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, ओम का नियम, ई अपॉन आर लगा दो, ई का मान कितना है 5/5 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला गया 0, मतलब आपका 50 एम्पियर धारा जो है वो प्रवाहित होगी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जिन बच्चों ने किया है, मुन्ना कुमार, बीटू शर्मा गुड इवनिंग, अनिल कुमार 5.5 नहीं आएगा बेटा, आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिन बच्चों का गलत हुआ है, कुलदीप महावर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सुभाष पाल, मदन सिंह, आपका अनिल कुमार 5.5 नहीं आएगा, चंद्रभान प्रजापति बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा हो गया, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया रिपीट का आप बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के आप कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा देख लेंगे। लेकिन जितनी अगर मेहनत कर रहे हैं बेटा, रात को अगर 9 बजे से 10 बजे जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं आधी रात को, बेटा ये आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आने वाली है, मतलब इस बार हमारा ALP पास होने वाला है, क्योंकि हम सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिएगा 183 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कि 0.8 मिली हेनरी वाले कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा 0.4 सेकंड में उल्ट देने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका कितना होगा, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए 0.8 मिली हेनरी कॉइल इफ करंट ऑफ 2 एम्पीयर रिवर्स्ड इन 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड में वो करंट आपको रिवर्स कर देता है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकाल के बताना है कि विद्युत वाहक बल उसमें कितना बन रहा है। देखिएगा जो डाटा आपको दिया गया है ना, 180 क्वेश्चन अमित सिंह, 180 नंबर क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है ना, चलिएगा लास्ट में आप मेरे को जरूर बताइएगा 180 नंबर क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे। तो देखिएगा इसमें आपको क्या दिया गया है, आपने कहा सर मिली हेनरी, मतलब इंडक्टर का मान दिया गया है, लिख दीजिएगा इंडक्टर को हम लिखते हैं एल से, किससे एल से, कुंडली का प्रेरक तो कितना है 0.8 मिली हेनरी, मिली को हटाइएगा, मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात -8, मतलब 0.8 × 10 की घात -3
हेनरी हो गया, बिल्कुल। आगे देखिए कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई कितनी हो रही है आपको कि सर 2 एम्पियर हो रही है, दिया हुआ है। टाइम आपका कितना है 0.4 सेकंड आपको टाइम दे रखा है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो आपको फेराडे का नियम बड़े अच्छे से याद होगा बेटा। फेराडे का नियम क्या कहता है, तो फेराडे कहता है आपका ईएमएफ बराबर ई बराबर क्या होता है एल डी आई बाय डी टी, मतलब धारा में अगर परिवर्तन हो उसको गुणा कर दे हम इंडक्टर के साथ में, तो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ जाएगा। तो ई बराबर ई लिखिएगा, एल का मान आप सभी को पता है देर का है कितना 0.8 × 10⁻³ इंटू बेटा आई का मान कितना देर का है, आपने कहा सर 2 देर का है, बटा लगाइएगा टाइम कितना है 0.4 है। अब देखिएगा पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला गया 10 × 4 = 4, एक काम करिएगा 10 मत हटाइएगा, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखिएगा हमने कहा ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो 4 × 4 = 4 × 8, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³, ये हमारा ईएमएफ निकल कर आएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 0.004 वोल्ट आपका ईएमएफ निकल के आएगा। देखिएगा ऑप्शन में है क्या कहीं 0.16 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बेटा इसका आंसर अलग से याद रखिएगा जो ऑप्शन में हमारे नहीं दिया हुआ, लेकिन जो ईएमएफ आपका होगा वो 0.004 वोल्ट होगा, ए और बी और सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिएगा सर जी सेल के अंदर का प्रतिरोध है बाहर का नहीं, वो 0.01 जो था वो सेल के अंदर का प्रतिरोध था बाहर का नहीं था, बाहर वाला तो आपका हट गया था मदन जाट। ओके चलिएगा बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सर। अब सी डी अनिल कुमार सर, अब सी और डी देखिएगा, सी और डी 0.00 ये तो बहुत कम हो गया, ये आपका देखिएगा ये आसपास आ रहा है, सी के आसपास आ रहा है, तो हम सी इसमें टिक कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चंस, नहीं तो बेटा ये देखिएगा प्रॉपर वे में मिल नहीं रहा, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो आपका ये निकल कर आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ बेटा एक जरूरी सूचना याद रखें कि उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के ऑफलाइन बैच, जो आपके जयपुर सेंटर पर स्टार्ट होने जा रहे हैं 5 फरवरी 2024 को, और जोधपुर सेंटर पर स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के न्यू बैच 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:30 पर। यहां पर भी जयपुर सेंटर में भी बेटा जो 5 फरवरी 2024 को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये 7:30 पर स्टार्ट होने जा रहे हैं, सभी ट्रेड के लिए ये बैच आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इन जो बैच के अंदर ऑफलाइन बैच के अंदर बच्चों को मिलते हैं आपके फैकल्टी के प्रिंटर नोट्स मिलते हैं, LFC बैच मिल जाता है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिल जाता है, अगर बच्चा कभी भी ऑफ कर लेता है किसी कारणवश से तो वो क्लास को रूबरू वहां पर देख सकता है। बात करें बेटा इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी यहां पर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेशन आपको यहां पर मिल जाता है, रिवीजन क्लास आपको यहां मिलती है, साथ साथ में आपको वीकली एक CBT टेस्ट भी मिल जाता है इन ऑफलाइन बैच में। इन ऑफलाइन बैच को आपको ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं जयपुर सेंटर पर, अगर ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो हिंडोन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर में आकर आप विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9773366871 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप जोधपुर में ऑफलाइन बैच को लेना चाहते हैं तो बेटा आप मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाडा जोधपुर जाकर ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, नहीं तो बेटा आप 9773366869 पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 184 नंबर क्वेश्चन, DC परिपथ के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है यह आपको बताना है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है अमित सिंह, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं दोहरानी है, ये क्लास इसीलिए लेके आए हैं कि जो आप मिस्टेक कर रहे हो ऐसी मिस्टेक आपके सामने नहीं होनी चाहिए। ओके रेनाल्डो RP फौजी सर इसमें क्या करना होता है, किसमें क्या करना होता है बेटा दोबारा बताइएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, DC परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो मेरे को यूं बताइएगा
कि डीसी परिपथ के लिए क्वेश्चन बताना है तो पावर पूछ रही है बेटा, पावर दे रखी है। आपको पता है डीसी के अंदर डीसी सर्किट की अगर मैं पावर की बात करता हूं, मतलब शक्ति की बात करता हूं, तो आप कहते हो सर शक्ति क्या होगी, पी बराबर वी आई होगी। ये ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन हमें तो देखो पूरा डिटेल के अंदर जानना है। जब क्वेश्चन आ चुका है तो हम बात करेंगे कि एसी सर्किट में पावर भी, डीसी में तो पता चल गई, लेकिन एसी सर्किट में, एसी में हम पावर की बात करेंगे। और एसी में जो पावर होती है वो तीन प्रकार की आपकी होती है, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पता है, कमेंट करके बताइएगा। पहली पावर जो होती है ये आपकी रियल पावर होती है, जिसे हम पी के द्वारा डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है आपका वी आई कोस फाई, और इसकी यूनिट जरूर याद रखिएगा बेटा, किलो वाट होती है। और दूसरी पावर होती है आपकी रिएक्टिव पावर, जो आपका कैपेसिटर और इंडक्टर जो पावर खपत करता है उसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर आपकी होती है वी आई साइन फाई, जिसकी यूनिट कई बार एग्जाम में आ रखी है, के वी ए आर, किलो वोल्ट एम्पियर रजिस्टर होती है। लास्ट पावर जो होती है आपकी वो होती है एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एस के द्वारा, और एस इक्वल होता है वी आई, आपका होता है वी आई का कॉन्जुगेट यहां लगा दीजिएगा, ये आपके पावर का फॉर्मूला होता है। और इसकी यूनिट आप जरूर याद रखिएगा जो होती है के वी ए में। और अल्टरनेटर की यूनिट बात करें, अल्टरनेटर की रेटिंग भी हमारी के वी ए के अंदर होती है, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी हमारी किस में होती है, केवीए के अंदर होती है। तीन प्रकार की आपकी पावर होती है एसी सर्किट में, और एक प्रकार का पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डीसी में। तो हमें यहां पर पूछा गया था डीसी के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो डीसी के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये वाला सत्य है बिल्कुल। ये तो हमारी कौन सी पावर हो गई, वी आई साइन फाई, बी को हटाते हैं तो फाई, तो ये हो गई हमारी कौन सी, रिएक्टिव पावर होगी, के वी ए कोस फाई, ये रियल पावर हो जाती है, ये हमारी रिएक्टिव पावर हो जाती है। चलिएगा ये ऑप्शन तो हमारे लिए गलत है, लेकिन एसी के पावर आप याद रखिएगा तीन प्रकार की, और डीसी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डीसी के तीन फॉर्मूले आपको बता देते हैं, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, और पी बराबर आपका आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। चलिएगा ये डीसी के तीनों फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा पावर के। डीसी में तो तीन सूत्र होते हैं, लेकिन एसी में आपके तीन प्रकार की पावर होती है। हाँ, बी सी डी एसी की है बेटा, ये बाकी एसी की है, ये ऊपर वाली डीसी की है। मदन जाट बिल्कुल सही है, सुनील वर्मा ए ऑप्शन सही है। सर क्लास क्या नहीं चल रही बेटा, क्या बताना चाहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तरंग का कोणीय वेग 440 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में दिया जाता है, तरंग की आवृत्ति की गणना करनी है हर्ट्ज के अंदर। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा यहां पर कमेंट करता है। तो बेटा फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, और कौन सा हमारा यहां पर फॉर्मूला लगना चाहिए। बेटा देखिएगा इन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, जो आपके पीजीसीएल के हुआ, डीएमआरसी का हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट का हुआ, सभी के क्वेश्चंस जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपके एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में जो आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसमें ओनली फॉर पासिंग मार्क्स चाहिए। और बेटा गारंटी लेता हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर रेगुलर बेटा एक घंटे की क्लास आप देखा करें, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता उनको ध्यान से समझें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी आपको टाइम मिले उसको जरूर देखिएगा। ऐसा अगर आप कुछ दिन तक करते हैं तो बेटा आपके 10 दिन के बाद में आपके क्वेश्चंस का लेवल और आपके जो आंसर राइट कितने जाते हैं आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट कितना होता है इन्हीं क्वेश्चनों से। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल को सीखना है तो आपके पास में जो ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है आप उसको पढ़िएगा, ऑनलाइन भी मैंने क्लासें ली हुई है यूट्यूब पे, उनको देख कीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चंस आप करिएगा। गारंटी लेता हूं बेटा आपका असिस्टेंट लोको पायलट क्या बेटा कौन सा भी अगर आपका एग्जाम हो तो उसमें आप कभी बीमार नहीं खाने वाले टेक्निकल के अंदर। चलिएगा यहां पर बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेल्डर वाले फॉर्म भर क्यों नहीं सकते, बेटा भर सकते हैं। चलिएगा यहां पर रेनाल्डो कह रहे हैं कि 65 आंसर आ रहा है, देखिएगा 65 आ रहा है क्या। हमें यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है, हमें यहां पर दिया गया है कोणीय वेग दिया गया है, और कोणीय वेग की कई बार यूनिट भी पूछी गई है, रेडियन प्रति सेकंड होती है। कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा की वैल्यू 440 रेडियन प्रति सेकंड हमें दे रखी है। और हम एक चीज जानते हैं
कि कोणीय वेग जो होता है ओमेगा बराबर वो होता है 2πf होता है, होता है कि नहीं होता आपको सर? बिल्कुल। तो ओमेगा का मान मैं क्या 2πf पुट कर सकता हूं? आपने कहा सर बिल्कुल, तो 2πf पुट करिएगा, बराबर आपका 440 है। f को निकालना है, 440 में आप 2π का भाग दे दीजिएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 440 में भाग देना है 2 × 3.14 का, बेटा दे लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अनिल कुमार सैनी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन आएगा, स्नेहा कह रहे हैं सर 65 ऑप्शन आएगा। तो बेटा आप बताइएगा कितना आंसर आपका आने वाला है? बिल्कुल बेटा यहां पर 65 आएगा, 70 आएगा, 70 के आसपास नहीं आएगा क्या? 65 नहीं सुभाष पाल, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका 70 के आसपास आपका आंसर निकल कर आता है। 70 हर्ट्ज आपकी क्या होने वाली है? फ्रीक्वेंसी होने वाली है। देखिएगा कितना अच्छा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से ऐसी फंडामेंटल में स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करवाए थे अगर आपको याद हो तो। चलते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है ब्रिजिंग में प्रयुक्त सेपरेटर सामान्यतः किसका बना होता है? आपको बताना है असिस्टेंट लोको पायलट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये सेपरेटर क्या चीज होती है, ये सेपरेटर क्या भला होती है? सेपरेटर का मतलब होता है कि जब हम दो समान धातु या दो असमान धातु को आपस में सोल्डरिंग करते टाइम जोड़ते हैं ना, तो उनके बीच में कुछ आपका पदार्थ भरा जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। अब बताइएगा आपको पता चल चुका होगा सेपरेटर किसका बना होता है। तो सेपरेटर क्या होता है ये याद रखिएगा, जब भी हमें समान या असमान दो धातु की छड़ को जोड़ना होता है या सोल्डरिंग करना होता है तो उनके बीच में कुछ आपका मटेरियल भरा जाता है, उस मटेरियल को हम सेपरेटर कहते हैं। जो आपका बना काय का होता है वो आपको बताना है। तो याद रहे जो आपका बना होगा या तो बेटा पित्तल का बना होता है या हम कह दें बेटा कॉपर का बना हो सकता है, कॉपर के साथ साथ आपका कॉपर के साथ साथ चांदी और कॉपर मतलब दोनों मटेरियल आपके मिक्स हुए होते हैं। तो यहां पर देखिएगा कौन सा राइट आंसर होने वाला है, लेड सल्फाइड होता है क्या? नहीं होता है बेटा, लेड सल्फाइड आपका नहीं होता है। रेशिन आयरन बेस और लेड की मिश्र धातु होती है क्या? लेड की मिश्र धातु तो लेनी नहीं है हमें, सोल्डर आयरन थोड़ा बनाना है ना। तो देखिएगा जिंक क्लोराइड क्यों, हमें फ्लक्स थोड़ी ना बनाना है, जिंक क्लोराइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर और बेटा चांदी का बेस आपका जो काम में लिया जाता है। सेपरेटर का मतलब दो धातुओं को जोड़ने के लिए समान या असमान बीच में हमें क्या करना है, कुछ मटेरियल को डालना होता है, उन मटेरियल को क्या कहते हैं, सेपरेटर के नाम से जाना जाता है, जो आपके कॉपर और आपके चांदी से मिलकर बने हुए होते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका यहां राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल बेटा क्लास अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि और बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ सके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखते हैं 187 नंबर आपका क्या कहता है। 187 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जया तरंग के लिए विद्युत धारा के शीर्ष और औसत मान के बीच में संबंध दर्शाता है, ऐसा कौन सा संबंध है जो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में आपका एक रिलेशन को क्रिएट करता है, उस रिलेशन को आपको बताना है। फटाफट कॉमेंट करके बताइएगा राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। इंसान फौजी बिल्कुल डी ऑप्शन, मदन झा डी ऑप्शन, स्नेहा डी ऑप्शन राइट है। अब बताइएगा इसका आंसर बताइएगा कि आपकी एक तो होती है पीक वैल्यू, देखिएगा जया तरंग में शीर्ष मान कौन सा होता है, जब भी आप साइन वेव को बनाते हो, साइन वेव को तो जया तरंग कहते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमने मान ली इसे IM मान लो, या इसे ही हम क्या कहते हैं पीक वैल्यू, क्या कहते हैं बेटा पीक वैल्यू, तो आप इसे IP भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, IM लिखिएगा, मैक्सिमम लिखिएगा, पीक वैल्यू लिखिएगा। ये IP आपको दे रखा है, आपको आई एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आई एवरेज वैल्यू आपकी क्या होगी वो आपको बताना है। फौजी कह रहे हैं सर बी ऑप्शन होगा, इसके अलावा ए ऑप्शन होगा रेनाल्डो, ओके शारदानंदन भारती सी ऑप्शन बता रहे हैं, इंसान बी ऑप्शंस, सुभाष पाल ए ऑप्शंस, बिट्टू शर्मा ए ऑप्शन, अनिल कुमार सैनी सर ऑल सर सारे गलत है, ओके सारे गलत है, चलो देखते हैं, बिट्टू शर्मा ए ऑप्शन कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं बेटा पहले तो आपको देखना है और एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू का मतलब आपका होता है औसत वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। देखिएगा यहां हम देखते हैं औसत वैल्यू को क्या निकालनी है, औसत मान निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा औसत मान हमें निकालना है, तो औसत मान क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर होता है 2 आई पी बटा
पाई, ये होता है कि नहीं होता? आपने कहा सर बिल्कुल होता है। तो बेटा एक काम करिएगा ना, आपने कहा सर ये होता है तो एक काम करिएगा, आई एवरेज बराबर, आपको ये बता रखा है, आप आई आई पी को बाहर ले लीजिएगा, आई पीक वैल्यू को मतलब मैक्सिमम वैल्यू को बाहर ले लिया, यहां से देखो आई पी को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2/3.14, जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 0.637 आई पी निकल के आएगा। तो यही तो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, पीक वैल्यू को 0.637 मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, एवरेज वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिएगा ऑप्शन में है क्या, अगर 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आई आर एम एस निकल के आएगा, वर्ग माध्य मूल मान निकल के आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। अच्छा हाँ, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन करना ही हमारा मेन मकसद नहीं है बेटा क्लास के अंदर, हमारा मेन मकसद यह है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया उसे तोड़ मरोड़ के निचोड़ निकाल देना है, फिर से अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा फंस जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो बताते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से बेटा, देखिएगा 2 में 3.14 का भाग लगाएंगे तो यार 1.14 कैसे आ सकता है, एक से मान कम आएगा यार, अनिल कुमार कैसे कह सकते हैं ना। अब आपको एक चीज बताइएगा, आपके दिमाग में ये आया कि सर ये औसत मान क्यों निकालते हैं, औसत मान निकालने की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी फंडामेंटल में, कौन बच्चा बताएगा कि सर हम औसत मान क्यों निकालते हैं, क्या कारण है कि हमें एक सर्किट के अंदर एवरेज वैल्यू को फाइंड करना होता है, क्यों निकालते हैं, क्यों हम एक सर्किट के अंदर ऐसी फंडामेंटल में क्यों बेटा हम यहां पर आरएमएस वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को फाइंड करना पड़ रहा है हमें, कौन बताएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब आपको बताते हैं, देखिएगा कमेंट बहुत कम आ रहे हैं कि बच्चों को पता नहीं है कि सर क्यों हम औसत मान निकालते हैं, क्यों हम आरएमएस मान निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा औसत मान हम इसलिए निकालते हैं कि अगर मैं आपको कह दूं कोई एक सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा, औसत मान क्यों निकालते हैं और आपका आरएमएस मान क्यों निकालते हैं, दोनों के बारे में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंसने के चांसेस जरूर है। औसत मान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज वैल्यू, क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू, क्यों निकालते हैं बेटा एवरेज वैल्यू, सुनिएगा, हमने कहा कि एक लैंप ले लो, ऐसा लैंप ले लिया, इसको हमने डीसी सप्लाई दे दी, सेम लैंप ले लिया बेटा यहां पर, इसको हमने दे दी एसी सप्लाई, इसको दे दी एसी सप्लाई। मैं अगर आपसे पूछूं ये लो बेटा, इसको कितने टाइम के लिए दी, टी टाइम के लिए, इसको कितने टाइम के लिए दिया, टी टाइम के लिए, यहां पर हमने करंट कितनी या वोल्टेज कितनी आपने पास की, वी, और यहां पर आपने वोल्टेज कितनी पास की, वी, या फिर आपका करंट का क्वेश्चन था वो, तो बेटा करंट लिखो या वोल्टेज लिखो बात एक ही है, यहां करंट लिख दो यहां वोल्टेज लिख दो बात एक ही है। आपने कहा सर इसमें भी हमने सेम धारा प्रवाहित की है, इसमें भी हमने सेम धारा प्रवाहित की है, लेकिन आप मेरे को यूं बताइएगा यहां से चलने वाला आवेश Q और यहां से चलने वाला आवेश Q1 है और यहां से चलने वाला आवेश Q2 है, बताइएगा Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है या दोनों आवेश आपके बराबर है, आपको यह बताना है। धारा दोनों में बराबर है, दोनों में समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों के अंदर समान आपकी जो लैंप है वो भी समान है, तो मेरे को यूं बता दीजिए दोनों में आवेश किस में ज्यादा प्रवाहित होगा, एसी में ज्यादा प्रवाहित होगा या डीसी में, कहने का मतलब Q1 ज्यादा होगा या आपका Q2 ज्यादा होगा। पहले तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, पहले तो यह बताइएगा कि कौन सा आवेश आपका ज्यादा होने वाला है। ओके केडी स्टूडियो सर जी, लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूं, परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है। क्या बात है केडी स्टूडियो, बेटा सुन के बड़ा अच्छा लगा, इस प्रकार के स्टूडेंट हो तो बेटा देखो क्यों नहीं इस बार एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट पार क्यों नहीं हो सकता, ऐसे स्टूडेंट चाहिए यार मेरे को कि जिनको फिक्र रहती हो क्लास की कि सर हम 5 मिनट लेट हुए हैं तो वो लेट किस कारण से हो गए। अब आपके दिमाग में आ गया, बिल्कुल बच्चों ने कमेंट कर दिया सर डीसी, डीसी में आपका आवेश ज्यादा प्रवाहित होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहना कि सर डीसी में आवेश ज्यादा प्रवाहित होता है, Q1 ज्यादा है Q2 से, सेम चीजें होने पर भी
आवेश ज्यादा प्रवाहित कर दिया डीसी ने। यहां पर भी आपने अगर 5 एम्पियर लिखते और यहां पर भी 5 एम्पियर लिखते तो हमारा किसके ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा है? डीसी में। लेकिन हमें प्रॉब्लम कर दी कि सर एक काम करिएगा, ये तो बहुत विडंबना हो गई, हम यूं चाहते हैं एसी और डीसी समान आवेश प्रवाहित कर दे, एसी और डीसी समान मान पर समान आवेश प्रवाहित कर दे, इसीलिए हम पढ़ते हैं औसत मान। Q1 बराबर Q2 करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं? औसत मान पढ़ते हैं, औसत मान पढ़ते हैं। समझ में आया क्या बेटा? औसत मान क्यों पढ़ा जाता है? ताकि एसी का आवेश और डीसी का आवेश समान प्रवाहित हो जाए, इसीलिए औसत वैल्यू को हमें पढ़ना होता है। लेकिन अब आता है आरएमएस वैल्यू। चलिएगा आरएमएस वैल्यू में बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा आरएमएस वैल्यू। अब बताइएगा आरएमएस वैल्यू क्यों पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। अब ये बताइएगा वर्ग माध्य मूल मान की बात करते हैं, वही सेम सर्किट बना दिया हमने, एक में हमने सप्लाई दे दी डीसी और दूसरे में हमने दे दी एसी, समान सर्किट है, इसमें दे दी हमने एसी। अब मेरे को यूं बताइए बेटा कि यहां से आपने वी वोल्टेज दिया, चलो आई करंट देते हैं, यहां पे आपने आई करंट दिया कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। बिल्कुल, ये दोनों लैंप आपके जलने स्टार्ट हो गए, दोनों लैंप आपके जलने स्टार्ट हो गए, दोनों ने आपकी हीट उत्पन्न कर दी, इसने भी हीट उत्पन्न कर दी। बताइएगा इसने तो H1 कर दी और इसने हीट जनरेट कर दी, इसने H2 कर दी। बताइएगा हीट, ये H मतलब होता है हीट, हीट फॉर ऊष्मा, ऊष्मा। बताइएगा H2 ज्यादा है या H1 ज्यादा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी हीट आपकी ज्यादा होने वाली है। चलिए बेटा, यहां पर कह रहे हैं सर एसी डीसी दोनों सेम हीट जनरेट करेगी? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। आपकी इस टाइम अगर हम बात करें तो H1 ज्यादा है, H2 कम है। एसी जो ज्यादा हीट जनरेट कर रही है समान समय में, समान टाइम में, हमने दोनों एसी और डीसी को प्रवाहित किया समान सर्किट में, तो देखा हीट ज्यादा जनरेट कर गई डीसी, फिर तो हमें टेंशन हो गई। हमने कहा सर जी कल को मोबाइल चार्जर खरीदेंगे, वो भी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, एक डीसी वाला अलग ले लो और एसी वाला अलग ले लो, ट्रेन में सफर कर रहे हो तो डीसी वाला काम में ले लो, अगर हम घर में बैठे हैं तो एसी वाला अलग ले लो, ऐसा कोई काम करेंगे क्या? अपने आपके पास में एक्सटेंशन होगा जिसे हम बोलते हैं पोर्टेबल चार्जर, जो आप पावर बैंक के नाम से जानते हो, वो भी अलग होना चाहिए, ऐसी सिस्टम होगा क्या? तो आपको कि सर नहीं, हमें तो ऐसा लोचा करना ही नहीं है, हम तो यूं चाहते हैं कि एसी में हीट जो उत्पन्न हो रही है और जो डीसी में हीट जो उत्पन्न हो रही है, ये समान हीट उत्पन्न हो जानी चाहिए, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? आरएमएस वैल्यू को पढ़ते हैं। बस बेटा इतना ही याद रखना, सफिशिएंट डाटा है। ओके अनिल कुमार सैनी, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग में ली जाती है? सर्विस करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए लिए कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रयोग में ली जाती है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। डिप सोल्डरिंग काम में लेंगे, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग काम में लेंगे, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग काम में लेंगे, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग हम काम में लेंगे। तो बेटा बताइएगा यहां पर कौन सी सोल्डरिंग हम काम में ली जाती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका क्या होने वाला बेटा? चलिएगा, किसी उपकरण को सुरक्षित एसी और डीसी दोनों से चलाने के लिए आरएमएस वैल्यू का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बेटा, आरएमएस वैल्यू का घर में 230 वोल्टेज जो आ रहा है ना, वो भी आरएमएस वोल्टेज होता है। आपने देखा होगा 230 के बाद में 440 आता है, क्यों है? क्योंकि आरएमएस वैल्यू है। फिर 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी, ये सारी वोल्टेज बेटा आरएमएस ही तो है।
इनको ऐसा लेने के पीछे का लॉजिक यही तो है। वैसे हमारी जो ट्रेन है ना वो 25 केवी, सिंगल फेज 25 केवी पर चलती है, उसका कोई लोचा ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। एक दिन आपको सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा जो जिसमें आपको ट्रेन के बारे में बताएंगे कि उसमें 25 केवी क्यों रखा गया, सिंगल फेज है ना। इलेक्ट्रीशियन के नोट्स चाहिए सर, बबलू कुमार। बिल्कुल बेटा बबलू कुमार, देखिएगा नोट्स अगर आप किसी के लेके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, पता नहीं क्या चीज कहां लिखी होती है। इससे बेटर ऑप्शन एक ही है, अभी देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेटा मैंने पढ़ा रखा है वो नोट्स ही है, क्लास ले लीजिएगा, अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए, जिंदगी भर कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिएगा यहां पर बोला है सर्विस और रिपेयरिंग के लिए हम कौन सी सोल्डर लेते हैं, डिप सोल्डर काम में लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। ज्वाला के साथ सोल्डर कभी काम में लिया, नहीं लिया। आप गए हो ना कभी फोन का कुछ भी टूट गया हो, स्पीकर वगैरह खराब हो गया हो, तो वहां पर कौन सी सोल्डरिंग काम में ले रहा है रिपेयरिंग करने के लिए फोन को, डिप सोल्डरिंग काम में ले रहा था क्या, नहीं ले रहा। ज्वाला के साथ आग लगा के सोल्डरिंग काम में ले रहा था क्या, फोन बढ़ जाएगा आपका, नहीं लेगा। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डर, बिल्कुल बेटा सोल्डरिंग गन होती है, उसके आगे आपका सोल्डर आईना लगाता है, फिर आपको टांके लगा देता है, यही तो काम में लेते हैं। तो बेटा सी ऑप्शन आपका यहां राइट हो जाएगा। ये तो आपके दैनिक जीवन वाले क्वेश्चन है यार, जो आपका फोन खराब हुआ होगा कभी, या फिर आपका कोई रेडियो टीवी खराब हुआ होगा, वहां पर आपने सोल्डरिंग की होगी और कॉलेज में अक्सर आपने की हुई है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बेटा एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है, उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के बैच जो CBT 1 और CBT 2 है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट। बेटा बात करें फीटर थ्योरी वाले के, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपके 8 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहे हैं। कितने को, 8 फरवरी को आपको स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसकी बेटा देखिएगा 12,000 ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन आपको मात्र 1,500 रुपए में यहां पर मिल रहा है। ऑफर प्राइस जो है वो बेटा याद रहे 10 फरवरी तक ही वैलिड है, और इस लेक्चर के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच के अंदर आपको मिलने वाला है वीडियो ऑडियो लेक्चर्स, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स और क्यूज आपको यहां पर मिलने वाली है। बस याद रहे ये जो ऑफर है 1,500 रुपए वाला, ये आपका 10 फरवरी तक ही वैलिड है, रात 12 बजे तक, उसके बाद में आपका ये खत्म हो जाएगा। ध्यान रखें जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैं उनके लिए भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपके स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी 2024 को, जिसका ओरिजिनल प्राइस आपका 12,000 रुपए है, ऑफर में केवल बेटा आपको 1,500 रुपए में मिल रहा है। आज ही बेटा फायदा उठा लो, आज ही बेटा क्या कर लीजिएगा, अगर किसी बच्चे ने सिलेबस नहीं लिया है तो मात्र 1,500 रुपए में बहुत कम शुल्क पर आपको बेहतरीन शिक्षा यहां पर मिलने वाली है। आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन और बेटा अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जो बच्चे डीजल मैकेनिकल के हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच बेटा स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी 2024 को, और बेटा जिसका ओरिजिनल प्राइस 12,000 रुपए है, ये भी आपको मात्र 1,500 रुपए मिल रहा है, और ये याद रहे ऑफर आपका 10 फरवरी तक ही वैलिड है। इसमें आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर्स, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं, साथ साथ में आपको मिलने वाली है क्यूज। बिल्कुल बेटा घर बैठकर आप आसान तरीके से ऑफलाइन की तरह बिल्कुल रीड करने वाले हैं, यहां पर बड़े अच्छी अच्छी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपको यहां पढ़ाएगी, जो आपका इलेक्ट्रीशियन को फीटर थ्योरी और डीजल मैकेनिकल थ्योरी के भी बिल्कुल CBT 1 और CBT 2 दोनों की आपको यहां पर तैयारी करवाई जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए उत्कर्ष एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो बेटा देरी फिर किस बात की, तो कर लीजिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं टांके की प्रक्रिया के प्रवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, टांका जो लगाते हो, सोल्डरिंग जो करते हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैराथन क्लास कब लोगे सर, बिल्कुल बेटा चंद दिनों में मैराथन लेंगे, लेकिन बेटा मैराथन के लिए ना थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जब हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा सेशन को, थोड़े से व्यूज, थोड़े अभी जो लाइव सेशन चल रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं थोड़े अपग्रेड हो जाए बेटा। सभी बच्चे कहे कि सर एक आपका मैराथन होना चाहिए, अगर आपकी डिमांड है तो बेटा आपको जरूर लेके आएंगे एक लंबी मैराथन, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ओनली फॉर। बिल्कुल अब देखिएगा टांके लगाने की प्रक्रिया के प्रभाव को मुख्य उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया ALP असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 22 जनवरी 2019 Shift 1 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है, Shift 1 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है गलनांक बिंदु को कम करने के लिए, गलनांक बिंदु को कोई के लिए कम करने के लिए करते हैं, नहीं करते, काटा लगा दो बेटा, गलत बात है ये।
धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त करने के लिए, बिल्कुल बेटो धातु की सतह को साफ और मुक्त करने के लिए की जाती है, यह आपका राइट है। चलिएगा, तापमान को कम करने के लिए की जाती है क्या सोल्डरिंग है? नहीं की जाती। उचित बनावट को सुनिश्चित करने के लिए, जब बेटा उचित बनावट है तो उसकी काय की सुनिश्चित हो जाएगी, टांका लगाने से कभी चीजें सुनिश्चित नहीं होती है। तो ये डी ऑप्शन भी आपका गलत है। राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन सही है। मदन जाट सर जी फोन नंबर काय के बेटा? फोन नंबर आपको बताए तो थे कि आपके उसके नीचे लिखे थे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लालचंद बी बिट्टू शर्मा बी अनिल कुमार सर फिटर का है क्या सर? बिल्कुल बेटा अगर बात करें तो फिटर का नहीं है, डीजल थ्योरी का है एक बार के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 190 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रीमियंस किसकी इकाई है या सॉरी प्रीमियंस की इकाई क्या है? प्रीमियंस क्या होता है पहले तो सुन लीजिएगा, जिस प्रकार से प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपका क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? तो आप कहोगे सर प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है, उसी प्रकार रिलेक्टेंस का उल्टा प्रीमियंस होता है। तो अब बताइएगा प्रीमियंस की यूनिट क्या होती है, नहीं तो बेटा इसको डिटेलिंग करेंगे, पहले तो आप अपने आंसर बताइएगा। एलन कमावत बी ऑप्शन, कमल सैनी बी ऑप्शन, मदन जाट बी ऑप्शन। ओहो क्या बात है सर जी, रेल इंजन में लगी मोटर थ्री फेज होती है और ट्रैक्शन लाइन में सिंगल फेज लाइन होती है, ई लोकोमोटर कैसे चलती है? लेकिन डीजल लोको में तो थ्री फेज जनरेटर होता है। बिल्कुल बात सही है बेटा, लेकिन हम बात करें कि आपने देखा होगा इसके बारे में बेटा, बताएंगे केडी स्टूडियो, इसके आपके कॉमेंट को पंच किया जाएगा, लेकिन जाते टाइम इसके बारे में बड़े डिटेल में बताऊंगा। अभी अगर बीच में बताने लग गए ना तो बेटा क्लास का टाइम हो जाएगा और प्रॉपर वे में बेटा समझा नहीं पाएंगे, तो आपके कॉमेंट को पंच किया जाता है। लास्ट में बेटा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप देते तो सिंगल फेज सप्लाई हो रेलवे को, लेकिन आगे मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, चलती कैसे है फिर, थ्री फेज कहां से आ गया, चलो वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आगे देखिए शारदानंदन बी ऑप्शन कह रहे हैं, सारे बच्चे बी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिएगा पहले तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना, एक तो ऐसा लिख दीजिएगा समझाने के लिए आपको यहां पर बनाते हैं, एक तो होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, बस ये याद रखिएगा। एक होता है मैग्नेटिक सर्किट, कौन सा? मैग्नेटिक सर्किट। ये दो सर्किट होते हैं हमारे, है ना। हमने कहा सर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा ईएमएफ होता है, बिल्कुल बेटा ईएमएफ होता है, इसमें क्या होता है आपका एमएमएफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसमें हमारी करंट होती है, तो इसमें क्या होता है आप कहते हो सर इसके अंदर हमारा फ्लक्स होता है, उसी को हम करंट कह देते हैं। इसमें देखिएगा रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, तो बेटा इसमें क्या होता है आपको कि सर रिलेक्टेंस होता है, क्या होता है रिलेक्टेंस होता है। अब सुनिएगा रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो, एक बटा आर कर दो, उसे हम जी कहते हैं, और बेटा यहां पर रिलेक्टेंस को उल्टा कर दो, रिलेक्टेंस को ऐसे लिखते हैं, रिलेक्टेंस को बेटा उल्टा कर दो तो हमारे पास में क्या आएगा प्रीमियंस आएगा, क्या आएगा परमियंस, प्रीमियंस नहीं परमियंस, परमियंस निकल के आएगा। लेकिन अब हमने कहा सर परमियंस तो निकल के आ गया, लेकिन हमें तो यूनिट नहीं आती है। अब देखिए परमियंस की यूनिट नहीं आती है तो आपको करना सिखाते हैं, आपको प्रतिरोध निकालना आता है क्या यहां से? आपने कहा सर बिल्कुल निकालना आता है, हमने प्रतिरोध बड़े अच्छे से निकाला हुआ है कि सर ईएमएफ में आई का भाग लगा दो, सॉरी हां बिल्कुल ऐसे निकलता है। तो देखिएगा यहां से फ्लक्स निकालना है, तो बेटा देखिए फ्लक्स कैसे निकलेगा, सॉरी फ्लक्स क्या हमें निकालना है रिलेक्टेंस, जैसे यहां प्रतिरोध निकाला है तो यहां रिलेक्टेंस निकालिएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा एम एम एफ अपॉन फ्लक्स, यूनिट क्या होती है तो आपको कहोगे सर एम्पियर टर्न एम एफ की, और यहां वेबर, बेटा इसको उल्टा करिएगा तो क्या आ जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ये निकल के आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, तो वो प्रीमियंस का उल्टा तो करना है बेटा, रिलेक्टेंस का उल्टा प्रीमियंस होती है, तो बेटा क्या हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न, तो ढूंढिएगा एम्पियर इंटू टर्न किसकी यूनिट होती है, तो आपको याद रखना एम एम एफ की होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है, ये प्रीमियंस की होती है, ये सही है, ये किसकी होती है एम्पियर टर्न वेबर, ये रिलेक्टेंस की होती है, किसकी होती है रिलेक्टेंस की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है।
बात करें वेबर पर स्क्वायर मीटर है, वेबर पर स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होती है, तो आपको कि सर फ्लक्स घनत्व की होती है, किसकी होती है, फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, या हम जिसे टेस्ला के नाम से जानते हैं, हाँ या ना, हो गया बिल्कुल बेटा, बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। इस प्रकार से आपको देखिएगा ताकि हमें समझ में आ सके। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 191 नंबर क्वेश्चन। सोल्डरिंग के लिए अनुसूचित संरचना क्या है? लैप जोड़ होता है, स्पार्क जोड़ होता है, वेब जोड़ होता है, या बट जोड़ काम में लिया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 23 जनवरी 2019 सब शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ध्यान से बताइएगा इसका क्या राइट आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 191 नंबर क्वेश्चन, बताइए फटाफट। क्या आंसर आपका यहां पर होने वाला है? स्पार्क जोड़ होता है, वेब जोड़ होता है, बट जोड़ होता है, कौन सा होता है? तो बेटा आपको बता दें कि यहां पर सोल्डरिंग के लिए अनुसूचित संरचना क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कम्युनिकेशन ऑफ द सोल्डरिंग कंपोजिशन ऑफ द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए अनुसूचित संरचना क्या है? लैप जोड़ है, स्पार्क जोड़ है, या वेब जोड़ है, या बट जोड़ है? तो कौन सा जोड़ होता है बेटा? लेप जोड़ करते हैं ना, सुनित स्मित कुमार बी ऑप्शन, लालचंद कह रहे हैं ए, बिल्कुल बेटा ए ऑप्शन जो है यहां पर आपका सही है। कौन सा जोड़ लेते हैं? लेप जोड़ लेते हैं। कौन सा? लेप जोड़ लेते हैं। राइट ऑप्शन करिएगा आपका ए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? सोल्डरिंग आप कर रहे हो तो उसमें ताप सीमा क्या होती है? पहले तो आपको याद रखना है, सोल्डर आयरन जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम किसका? आपका टिन और लेड का। किसका बेटा? टिन और लेड का बना होता है। टिन लिखिएगा प्लस हम लेड मिलाएंगे तब हमें सोल्डर आयरन मिल जाएगा। अब बेटा देखिएगा, टिन जो होता है ये आपका 63% होता है और ये आपका 37% होता है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेटा 190 से ऊपर होता है और 250 सेंटीग्रेड के आसपास तक होता है। तो देखिएगा 600 से 900 तो ज्यादा चला गया, हमें तो 190 से 250 के आसपास का डाटा देखना है, तो ये आपका गलत हो जाता है। 180 से 250 ये बेटा ऑप्शन आपका सही जाता है, ये गलत है, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टिन प्लस लेड 60% टिन लिया जाता है, 37% आपका लेड लिया जाता है। दोनों को मिक्सर करके हम क्या करते हैं? सोल्डर के जो वायर बनाया जाता है, सोल्डर वायर है ना, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 190 से ज्यादा होता है, 250 से के आसपास होता है। तो इतना आप याद रखिएगा, उसके आसपास का कौन सा है? तो आपको कि सर मेल्टिंग पॉइंट तो एक फिक्स होना चाहिए ना। बेटा ये जो मात्रा फिक्स नहीं है यहां पर, बेटा कई बार देखिएगा हम 60 कर लेंगे इसको, इसको 40 कर लेंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। वो हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें किस प्रकार के बेटा आपको क्या करना है, सोल्डरिंग कहां काम में लेनी है, उसके लिए अलग अलग आपके मटेरियल का अनुपात रखा जाता है। तो इसीलिए हम उस पर बोलते हैं कि 190 से ज्यादा होता है और 250 के आसपास होता है। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाता है। याद रखिएगा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 23 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिएगा 193 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? 223 वोल्टेज 0.5 एम्पियर 40 वाट प्रदीप्ति लैंप का शक्ति गुणांक निर्धारित कीजिएगा। एसी फंडामेंटल का क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने बच्चे सही से जवाब दे पाएंगे। हाँ, विश्वास कुमार बी ऑप्शन, राजेश कुमार मीणा बी ऑप्शन, अनिल कुमार बी ऑप्शन, सभी बच्चों का बी ऑप्शन है। आगे वाला क्वेश्चन 193 का आंसर बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। यहां देखिएगा, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है, पावर आपको दी गई है, तो आपको पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणांक बताना है। शक्ति गुणांक आपके तीन होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर। तो तीन हो गए, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, या हम कहेंगे इकाई शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक, अग्रगामी शक्ति गुणांक। तो यहां पर उस पावर फैक्टर का मान निकालना है। पावर फैक्टर को हम कोस फाई से डिनोट करते हैं। शारदानंदन भारती 193 का सर बी ऑप्शन आएगा, ओके। इसके अलावा एलन कुमावत बी ऑप्शन, लालचंद सी ऑप्शन। चलिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आपने रियल पावर को देखा है क्या? बेटा जो रियल पावर होती है, रियल पावर है जिसे पी के द्वारा डिनोट करते हैं, रियल पावर होती है पी बराबर वी आई कॉस फाई।
पी बराबर वी आई कोस फाई, यस या नो? आपने कहा सर बिल्कुल, हमारी रियल पावर पी बराबर वी आई होती है। यहां पर हमने कहा कि पी फॉर पावर कितनी देर की है, 40 लिख दीजिएगा। वोल्टेज कितना देर का है, 240, ये लो सॉरी 230 देर का है यार, और ध्यान रखना 230 आरएमएस वैल्यू होती है, 230 वोल्टेज देर का है। करंट कितना देर का है, 0.5। हमें क्या निकालना है, कोस फाई। इस कोस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। सभी को बेटा 40 में भाग लगा दीजिए, 40 में 230 का भाग लगाइएगा और इंटू 0.5 का भाग लगाइएगा, निकल के क्या आ जाएगा, कोस फाई निकल के आ जाएगा। बता दीजिएगा आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे कह रहे हैं राजा कुमार बी ऑप्शन, अनिल कुमार सैनी 193 का बी, अनिल कुमार सैनी बी ऑप्शन, प्रधान जाट। यस सर, क्या बेटा समझ में आ गया क्वेश्चंस? तो देखिएगा 193 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कितना, बी ऑप्शन हो रहा है। बेटा भाग लगाइएगा एक बार के लिए कितना आ रहा है और आप आंसर निकाल लोगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बस अपने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइएगा। मदन जाट 0.348 आ रहा है, 0.348 आ रहा है, तो बिल्कुल बेटा ए ऑप्शन जो है आपका वो राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा का उदाहरण है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने क्या कर दिया कि जैसे आपके पीतल है, पीतल के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। यह हमें बताया था फैराडे के विद्युत अपघटनीय नियम ने बताया था। अब यह पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, भौतिकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है या ऊष्मीय प्रभाव होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह आ रहा होगा। तो मदन जाट हाँ ठीक है, मान लिया बेटा बी राधा कृष्ण, ए ऑप्शन रासायनिक प्रभाव होता है, भौतिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है या आपका ऊष्मीय प्रभाव होता है। फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बी राधा कृष्ण कह रहे हैं सर ए ऑप्शन, बिल्कुल बेटा आप सभी को पता है कि बेटा ये लेपन वाला किसने बताया था, फैराडे के विद्युत अपघटनीय नियम ने बताया था। फैराडे ने कहा विद्युत अपघटनीय नियम था, उसने बताया था कि लेप कैसे करते हैं, किसी धातु पर दूसरी धातु की परत कैसे चढ़ाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और ये पढ़ते हैं हम सेल के अंदर, पढ़ते नहीं पढ़ते आपको इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे लोग कहां पढ़ाया था, तो आपको सर सेल में, तो सेल में क्या होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। ये लो रासायनिक प्रभाव आपका राइट है, भौतिकीय प्रभाव थोड़ी ना होता है, ना तो चुंबकीय प्रभाव होता है, भाई हम मशीन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जहां चुंबकीय प्रभाव होगा, थर्मल ऊष्मीय प्रभाव थोड़ी ना होगा बेटा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 195 क्वेश्चन। एक चालक के चालक तत्व को महो में निर्धारित करें, एक चालक के चालक तत्व को महो में निर्धारित करें, जब चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पीयर है और चालक के आरंभ और अंत के बीच में एक 40 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स जोड़ा गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना ज्यादा शार्प है कि हम आप इसका आंसर कितना होगा, ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने बच्चे यहां पर चल रहे हैं बेटा, एक एक कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आपका माइंड जो है वो कितना दौड़ रहा है। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से पढ़ पाओ, आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। तो बेटा फटाफट बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अब देखिएगा बेटा, हाँ क्वेश्चन तो आंसर तो आ गए सभी के, बी बी दिख रहे हैं, बी बी दिख रहे हैं, भारती नंदन भारती बी, अनिल कुमार सैनी बी, बिल्कुल बेटा बी ऑप्शन आप कह रहे हो, तो बेटा कहाँ जाएगा, बी ऑप्शन ही होने वाला है। देखिएगा चेक करते हैं यार बी है कि नहीं है, दिया क्या गया है, तो बेटा यहां से देखिए दिया क्या गया, धारा दी गई है भाई 2 एम्पियर, कितनी दी गई बेटा 2 एम्पियर, और क्या दिया गया है, विभांतर दिया गया है क्या, हाँ कितना 40 वोल्टेज, प्रतिरोध निकाल दो बेटा कितना हो जाएगा V बाय I, तो 40 बटा में कितना हो गया 2, तो कितना आ गया बेटा आपका प्रतिरोध 20 ओम आ गया। हमें पूछ रहा है
महो में निकालनी है, चालक तव का मान निकालना है, अरे जी निकालना है। जी क्या होता है, एक बटा आर होता है ना, एक बटा आर का मान कितना है, 20 है। एक में 20 का भाग लगा लियो यार, कितना जाएगा 0.05, बी पांजा 100, तो ये 20 0.05 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, और सभी का ही बी ऑप्शन है। क्या बात है बेटा, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 196 ALP असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखा है, सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन जब भी आपने देखा होगा, एक सोल्डरिंग आयरन देखा होगा बेटा, इस प्रकार का होता है, पेंसिल के प्रकार का ना। देखिएगा यहां पर इस प्रकार की आकृति होती है उसकी, यहां से एक तार निकला होता है जो आगे आपके प्लग में लगता है, बिल्कुल आगे चल के बेटा ये देखिएगा, ये इस प्रकार से होता है। यहां पर एक बिट लगी होती है, एक बिट लगी होती है इस प्रकार से, ऐसे थोड़ी सी आगे से मुड़ी मुड़ी सी होती है बेटा, ठीक है ना, कटी कटी सी होती है, चलिएगा ये तीखी सी ऐसे। अब ये होती है सोल्डर बिट, ये क्या होती है, सोल्डर बिट, या हम कहते हैं आयरन बिट कह दो, सोल्डरिंग आयरन बिट कह दो, ठीक है ना। ये है बिट, ये बिट किसकी बनी हुई है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। डी आ गया ऑप्शन, क्या बात है लालचंद, एनके, शारदा, भारती नंदन, सुनील कुमार, ओके डी ऑप्शन तांबा, बिल्कुल बेटा तांबे की बनी होती है, किसकी बनी होती है ये, तांबा की बनी होती है, राइट आंसर, कॉपर की बनी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा एक DMRC 11 अप्रैल 2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, कब का है 11 अप्रैल 2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। डीसी परिपथ में ऊर्जा की गणना के बराबर होता है, डीसी परिपथ में ऊर्जा के गणना बराबर होती है, गणना किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो हमने कहा कि डीसी की जो एनर्जी होती है, डीसी की बेटा एनर्जी जो होती है ये होती है एम्पियर हावर में, होती है नहीं होती। और एसी की एनर्जी की और बात कर लेते हैं जी, एसी की एनर्जी आपसे पूछ ले तो KWH में निकालते हैं, बस ये दो चीजें याद रखिएगा। अब लगा दीजिए राइट आंसर आपका क्या हो रहा है, इसका डी ऑप्शन बेटा। अब इसका आंसर बताइएगा कि डीसी की एनर्जी जो है वो किसके गुणा के बराबर होती है वो आपको बताना है, किनको गुणा करना है, एम्पियर हवर को गुणा कर दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन ढूंढिएगा। वोल्टेज और प्रतिरोध को गुणा करेंगे ना तो हमारे पास में कुछ नहीं आता, ये गलत है भाई। प्रतिरोध और वोल्टेज को गुणा करने पे क्या पावर आएगी, क्या कैसे आएगी, एम्पियर हावर को गुणा करना है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को गुणा करने पे भी नहीं आती, वोल्टेज एंड करंट के गुणा करने पर तो पावर आती है बेटा, क्या निकल के आती है, पावर, शक्ति निकल के आती है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट और प्रतिरोध को गुणा करेंगे तो क्या निकल के आती है, वोल्टेज निकल के आती है, न कि एनर्जी आती है। अब क्या किया जाए, ये तो DMRC में क्वेश्चन पूछा था लेकिन इसमें बेटा सारे ऑप्शन इस प्रकार के थे तो माना कौन सा सही था उन्होंने, आप सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन आ गया हमारे असिस्टेंट लोको पायलट में, तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताते हैं। अब देखिएगा जब हमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी हमारा एम्पियर हावर में नहीं दी गई है, तो आप पावर वाले पे टिक करके आओगे, किस पे टिक करके आओगे, पावर वाले पे टिक करके आओगे। अरे बेटा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट और करंट इंटू रेजिस्टेंस को गुणा करेंगे तो बेटा वोल्टेज निकल के आता है यार, वी बराबर क्या होता है IR, जो डी ऑप्शन कर रही हो तो वो हमारा वोल्टेज निकल के आता है यार, ठीक है ना, तो डी तो होगा ही नहीं, तो हम उस टाइम कौन सा ऑप्शन करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे बेटा, कौन सा करेंगे, सी, डी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इससे कम से कम पावर तो आ रही है, पावर आ गई, एनर्जी नहीं आई लेकिन पावर हम निकाल सकते हैं, तो बी ऑप्शन नहीं करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट करेंगे, वोल्टेज इंटू फ्रिक्वेंसी से कभी भी आपकी एनर्जी नहीं निकलने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ लेते हैं। सोल्डरिंग के लिए अनुसूचित व्यवस्था होती है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट 22 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है। वेब जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, स्पार्क जॉइंट होता है, लैब जॉइंट होता है, बेटा ये क्वेश्चन तो आपको करवा दिया गया है, ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो रखा है, बता दीजिएगा इसका आंसर, क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारा पहले हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहता है, इसीलिए क्वेश्चन आपका दोबारा लाया हुआ है। इसका बात करें तो बेटा ये आगे हमने क्वेश्चन को कर रखा था, आप देखिएगा मैं देखता हूं कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, ये
191 नंबर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका सेम है ना, तो चलिएगा ये क्वेश्चन 191 वाला क्वेश्चन आपका वापिस रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोस सोल्डरिंग तकनीक का प्रयोग नहीं है? मोस सोल्डरिंग तकनीक का प्रयोग नहीं है, डिप सोल्डरिंग, ड्रेन सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग, वेब सोल्डरिंग। अब ध्यान रखिएगा, ये जो दो आपकी सोल्डरिंग है ना, ये वाली, ये बी डी बी और ए, डिप सोल्डरिंग, ड्रेन सोल्डरिंग और वेब सोल्डरिंग, ये हमारे एसी सर्किट में प्रयोग की जाती है। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी कोई टांका वांका लगाने के लिए काम में ली जाएगी तो ये आपकी काम में ली जाती है, आयरन सोल्डरिंग नहीं ली जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी, आयरन सोल्डरिंग यहां पर राइट आंसर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन पे 12 वोल्टेज के 3.6 मिली एम्पीयर धारा को सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। 12 वोल्टेज से 3.6 मिली एम्पीयर से धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आपकी आवश्यकता होती है, ये प्रतिरोध आपको बताना है। और ये याद रहे, ये मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके आप बताओगे, ये आपका HW है, ये आपका HW है। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप इसका आंसर मेरे को जैसे ही वीडियो खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाद जैसे ही आपका आंसर आता है तो मेरे को कमेंट करके देखोगे। और बिल्कुल बेटा, मैं पर्सनल जाकर वहां पर चेक करूंगा कि किन किन बच्चों ने यहां पर आंसर दिया हुआ है। और आपको याद रहे कि उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है ऑफलाइन बैच, जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है 5 फरवरी, यानी मंडे को यह बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 पर यह स्टार्ट होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हिंडोन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर आकर आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। नहीं तो बेटा आप 9337336871 पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बैच है आपका जयपुर सेंटर पर मंडे को स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, मिलते हैं फिर हम कल रात 9 बजे कुछ अलग दमदार क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।